एमसी कोटी पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और राजेश सोनकर ने अपने हाथों से गमछा पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। रेसिडेंसी कोटी पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा बने कांग्रेसी नेता सावेर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी हुई तेज। उसी कड़ी में सावेर के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता जिसमें सरपंच उप सरपंच भी शामिल है, सभी ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने गले में बीजेपी का गमछा डालकर सदस्यता ग्रहण कराई। जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने बताया कि एक महीने से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता अभी तक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। यह वह लोग हैं जो 15 महीने का कांग्रेस की सरकार की अनदेखी के चलते आक्रोशित थे। छल कपट की कांग्रेस सरकार को छोड़कर आज सैकड़ों सावर क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनका आरोप है कि स्व सहायता समूह की महिला के लोन माफ करने का झूठा वादा कर उनके साथ छल कपट किया है, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। साथ ही संविदा शिक्षक को भी मौका मिल गया है उन्हें सबक सिखाने का। यह इसी बात का प्रमाण है कि सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस की रीति नीति को छोड़कर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में 24 सीटों के उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें शामिल सावे सबसे ज्यादा मतों से बीजेपी उम्मीदवार दर्ज करेगा। हमें विश्वास है कि सिलावट जी के नेतृत्व में बड़ी जीत हासिल की जाएगी। मंत्री तुलसी सिलावट का सभी गांवों में जनसंपर्क कार्यक्रम था। बहुत से और भी कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में आने को आतुर है। इससे यह विश्वास हो रहा है कि कांग्रेस की अर्थी उठने का समय नजदीक आ गया है। साथ ही कांग्रेस को कोई भी कंधा देने वाला भी नहीं बचेगा। अब वह दिन दूर नहीं है कि सावेर में यह नारा लगाया जाएगा कि कांग्रेसी बताओ 1000 इनाम पाओ। हमने सावेर के कई गांवों को कांग्रेस मुक्त कर दिया है। आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की दुर्गति होना तय है। एक बात सुन लो, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये सरकार हर धर्मी की थी। मध्य प्रदेश की जनता अभी जवाब दे रही है। जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 24 के 24 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और इसका नेतृत्व शिवराज चौहान जी करेंगे। कांग्रेस बची कहाँ है देख लो आप। अभी जैसे कहा ना, हमारे जिले के अध्यक्ष राजेश जी ने सारे के सारे लोग दिन प्रतिदिन रोज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ये चुनाव पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का योद्धा लड़ेगा।